गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे। तो उसके बाद कि कुछ लोग ऐसे भी होवे जो टांग खींचे, तो उन्होंने नरसिंह जी को पता बता दिया कि पुरजन कर मस्करी सागरा बोले कटुक रखे नित झगरा यह दिन साधु आए चार कारी मस्करी भेजे द्वार साधु आए चार कारी मस्करी भेजे द्वार कहीं तुम नरसी के घर जाओ पापे नसीब व्रत लिखवाओ आगे पंथ विकट है भाई कावा लूट ले दुखदाई तो ऐसा बोलेंगे कि आजकल हमने हुंडी लिखना बंद कर दी लेकिन आप मत सुनना। अब वो लोग साधु गए, नरसिंह जी ने प्रणाम किया। अब नरसिंह जी तो पहले कीर्तन में मग्न थे, समझ नहीं आए, फिर देखा कि साधु गए, नरसिंह जी गए प्रणाम किया। तो साधु लोग कहते हैं कि नरसिंह हम हुंडी लिखवाने आए हैं। नरसिंह जी महाराज माफ करना, अब हमने हुंडी लिखना बंद कर दी, हम हुंडी नहीं लिखते।
वो लोग खूब नरसी को बोले कि नरसी हुंडी लिख दो लिख दो। नरसी जी, महाराज मैं नहीं लिख सकूं। बड़े आग्रह पर साधु लोगों के नरसी जी मान तो गए और नरसी जी ने सांवलिया सेठ के नाम पे हुंडी लिख दी, यानी कृष्ण जी के नाम पे, और कहा कि भगवान मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब आप ही को संभाल लो, जो करना हुए आप ही को करना हो, अब हुंडी तो लिख दी। अब नरसी जी क्या करूं कि हुंडी तो लिख दी लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो भी 700 रुपए की लिखी। अब साधु लोग गए द्वारिका, पहुंचे, ढूंढा, बड़ा ढूंढा कि सावलिया सेठ कौन है, बहुत सी जगह पूछा, नहीं पता चला सावलिया सेठ कौन है। फिर कम से कम उनने 3 दिन तक पहले पूछा कि सावलिया सेठ कौन है, बाजार बाजार हर एक दुकान पर पूछा सावलिया सेठ कौन है, नहीं पता। 7 दिन हो गए ढूंढत ढूंढत पर सावलिया सेठ नहीं मिलो। उसके बाद वो साधु वगैरह बेचारे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। साधु लोगों ने सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा क्या पता। और जब साधुओं के मन में ये बात चल रही थी तो नरसी जी के हृदय में पीड़ा हो रही थी। नरसी जी को समझ आ गया कि साधु लोग खुश नहीं हैं, तो नरसी जी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि भगवान प्रार्थना सुन लो, आप ही हो जो समझ सको। इतना आग्रह किया, मैं तो हुंडी नहीं लिख सकता, इतना धन नहीं है मेरे पास, और वो भी आप ही के नाम पे लिखी है, अब आप ही जानो। तो कैसे प्रार्थना करी जरा ध्यान दीजिएगा कि तैयार है सब लोग, सभी को प्रार्थना करनी है भगवान से, तैयार है सब। हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी, तो उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। जोरदार
मुझको पीली चंदन मेरो तुलसी सोहे रोहान, मुझको चंदन मेरो तुलसी सोहे रोहान, मुझको पीली चंदन मेरो तुलसी सोहे रोहान, मुझको चंदन मेरो बेचारे साधु मुंह लटकाए वहां बैठे हैं। उन लोगों ने निर्णय ले लिया, सोच लिया कि अब तो इस दरिया में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि कल तो भंडारा है, क्या खिलाएंगे, हमारी हुंडीच नहीं आई। और उसके बाद यह मन में विचार किया, अब वहां से एक व्यक्ति आता है और कहते हैं, और वो व्यक्ति और कोई नहीं भगवान है। वो आते हैं कहते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बैठे, कुछ बात है बताइए, शायद मैं कुछ बता सकूं। साधु लोग, तुम जाओ यार यहाँ से, दिमाग खराब मत करो हमारा, उल्टा सीधा बोल दिया तो और दिक्कत।
भगवान कहवे बताइए तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। और एक साधु ने जैसे ही अपना सिर उठा के देखा तो भगवान का अनुपम रूप देखा तो समझ गए कुछ तो बात है कि कुछ तो बात है। तो उस साधु ने कहा कि जूनागढ़ में एक सेठ हैं जिनको नाम है नरसिंह। उन्होंने सावल सेठ नाम के व्यक्ति के उस पे से हुंडी लिखवाई। 7 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिलियो। अरे भगवान के वे माफ कीजिएगा मैं ही हूँ वो सावल सेठ। साधु लोग कब से ढूंढ रहे हैं भैया कहाँ के कोने में घुस के बैठे हुए हो। भगवान के वे मैं तो जब से यही हूँ। तो वो कहते हैं हमने 7 दिन हो गए तो मैं ढूंढते ढूंढते और नरसिंह ने तो कहो तो कि बाजार में किसी से भी पूछ लेना पूरा बाजार उन्हीं को है तो कोई तुम्हारा नाम नहीं बताया किसी ने तो तुम थे कहाँ तुम ये बताओ। सावल सेठ कहते हैं कि मैं यही था बस तुम्हें को ढूंढ नहीं पाया ढंग से और बात रही किसी ने नाम नहीं बताया तो मैं ये जिधर पर जितने भी अब बाजार लग गया है वहां पे ये सारी जगह मेरी है। अब तो वहां पे मॉल वगैरह बन गए खरीदी होने लगी सारी जगह मेरी ही है और मैं बड़ा व्यापारी हूँ इसलिए कोई मेरा नाम नहीं बता। तो उसके बाद वो कहता अच्छा चलो ठीक है जो है वो तुम्हारा पहले हमारे हुंडी भर दो तुम। तो सावल सेठ ने हुंडी भर दी। उसके बाद सावल सेठ कहते हैं आप लोग उससे एक विनती है अगर आपको नरसिंह जी मिले तो कृपया कर उनसे मेरी बुराई मत कीजिएगा क्योंकि मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ बस इतना कह दीजिएगा कि उसने जो करा अच्छा करा। उसके बाद संत मंडली ने कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग जूनागढ़ यानी नरसिंह जी के घर गए और उसके बाद जैसे संत मंडली ने बोला कि जो तुम्हारा सावल सेठ था इतना अच्छा था उसने इतने अच्छे शब्द बोले जो अभी तक हमारे कान में गूंज रहे हैं और आशीर्वाद देके वो भी चले गए। और उसके कुछ दिनों बाद